हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी फाइव पॉइंट से इसमें आज हम आप सभी लोगों को भिन्न का घोड़ा और भाग बताएंगे बेहद ही आसान तरीके से बताएंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा पहला सवाल है देखिए पाँच बटे तीन गुड़े छः बटे चार भागे तीन बटे आठ लिखा हुआ है जब भी आपको इस तरह से सवाल दिखे तो सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करना है इसके बाद गुड़े वाले चिन्ह को सॉल्व करना है कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है पाँच बटे तीन लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे पाँच बटे तीन लिख लेंगे गुड़े का चिन्ह है तो गुड़े का चिन्ह आएंगे, छः चा बटे चार लिखा हुआ है तो आप भी क्या छः चा बटे चार लिख लेंगे इसके बाद देखिए आप भाग वाले चिन्ह को जब सॉल्व करेंगे तो ये भाग वाला चिन्ह जो है गुड़ा का चिन्ह बन जाएगा अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से ढक दूं तो छह बटे चार भागे तीन बटे आठ आपको दिखाई दे रहा है भिन्न का भाग दिखाई दे रहा है तो भिन्न का भाग करते वक्त तो भाग वाले चिन्ह को क्या गुड़े का चिन्ह बना दिया जाता है इसके आगे वाले भिन्न को उल्टा लिख दिया जाता है तीन बटे आठ लिखा हुआ है तो इसे हम इसका उल्टा लिख देंगे तो आठ बटे तीन हो जाएगा तीन बटे आठ लिखा हुआ है तो तीन बटे आठ का उल्टा क्या होगा आठ ऊपर चला जाएगा और तीन नीचे चला जाएगा यानी आठ बटे तीन हो जाएगा अब हम इसे आसानी से सरल कर सकते हैं यहाँ पर देखिए पाँच बटे तीन गुड़े छः बटे चार गुड़े आठ बटे तीन आ चुका है अब आपको खोजना है कि कौन सी संख्या किसको आसानी से काट देगी तो यहाँ पर देखिए चार है यहाँ पर आठ है तो चार इक्के क्या हो जाएगा चार हो जाएगा चार दुना कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए तीन है यहाँ पर छः है तो इसे काट सकते हैं तीन एक के तीन तीन दुना कितना हो जाएगा छः हो जाएगा अब देखिए कोई भी संख्या किसी को अब नहीं काट पाएगी तो आप आसानी से गुड़ा कर लेंगे पाँच गुड़े दो करेंगे पाँच दूना दस हो जाएगा दस गुड़े दो करेंगे दस दूना कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा तो बीस को आप यहाँ लिख लेंगे इसके बाद आप बटे का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर देखिए तीन गुड़े एक गुड़े एक बचा हुआ है नीचे तो तीन एक के तीन तीन हो जाएगा फिर तीन गुड़े एक करेंगे तीन एक के तीन होगा तो बीस बटे क्या आ गया है तीन आ गया है अब देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो यही आंसर हो जाता है लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जो कंपटीशन में भी एग्जाम में बैठते हैं तो वो क्या करेंगे इनको काट कर सरल करेंगे तीन एक के तीन हो जाएगा तीन छ कितना हो जाता है अट्ठारह हो जाता है अब देखिए बीस बटे तीन का मतलब होता है कि बीस में आपको तीन से भाग देना है तो आप ध्यान से समझिएगा जब तीन का पहाड़ा बीस में पढ़ेंगे तो छ बाढ़ जाएगा तीन छ कितना हो जाएगा अठारह हो जाएगा आपका शेष कितना बचेगा दो बच जाएगा तो उसको यहाँ पर लिखेंगे आप किससे भाग दिए से तीन से भाग दिए थे तीन नीचे लिख दीजिएगा छ से ही दो बटे तीन यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आशा करता हूँ पहला सवाल आपको जोर समझ में आया होगा यह आपका दूसरा सवाल है यहाँ पर देखिए पाँच बटे आठ भागी छः बटे चार पूरे दो बटे तीन लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे इसके बाद गुड़े के चिन्ह को सॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर पाँच बटे आठ लिखा हुआ है तो आप भी क्या लिख लेंगे पाँच बटे आठ लिख लेंगे इसके बाद देखिए भाग का चिन्ह है तो भाग के चिन्ह को हम क्या गुड़े का चिन्ह बना देते हैं छः चा बटे चार लिखा हुआ है तो भाग के चिन्ह के सामने वाली जो भिन्न लिखी होती है उसे उल्टा लिख देते हैं तो छः चा बटे चार का उल्टा क्या हो जाएगा चार बटे छः हो जाएगा क्या चार बटे छः अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से ढक दूँ तो ये आपको भिन्न की भाग तरह दिखाई देगा पाँच बटे आठ भागे छः बटे चार है तो जिस प्रकार से भिन्न का भाग आप करते हैं उस तरह से आप आसानी से पहले कर लेंगे इसके बाद गुड़े का चिन्ह है तो कूड़े का चिन्ह लगाएंगे दो बटे तीन लिखा हुआ है तो आप भी क्या कर लेंगे दो बटे तीन लिख लेंगे अब इसे आप आसानी से काट के सरल कर सकते हैं यहाँ पर देखिए दो है यहाँ पर आठ है तो दो को आप आठ से आसानी से काट सकते हैं दो एक के दो हो जाएगा दो चौके कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा यहाँ पर देखिए चार है यहाँ पर भी चार है तो चार से क्या चार कट जाएगा ऊपर आप अब देखिए कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं तो ऊपर कितना आया है पाँच बुढ़े एक बुढ़े एक तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लेता हूँ अब नीचे आपका कितना बचा हुआ है ये कट चुका है छह गुड़े तीन बचा हुआ है छ त्रिक कितना हो जाएगा अठारह हो जाएगा क्या अठारह तो ये देखिए पाँच बटे अट्ठारह जो है अंश जो है वह छोटा होना चाहिए किससे हर से तो इसे आपको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है ये छोटा है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो मैंने आपको दोनों तरह के सवाल बताए जिनमें भाग का चिन्ह अगर इस साइड हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है अगर भाग का चिन्ह पहले हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है तो इसी तरह से तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अगर आप ये सवाल समझ गए होंगे तो आप आसानी से हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जोर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा धन्यवाद